मेरे दिमाग में ये चीज़ आ गई, मैं मुझे ऐसा कुछ करके जाना है कि मैं अगर यहाँ से जाऊँ ना तो मेरे जो दुश्मन भी है ना, जो मेरे हेटर्स भी हैं ना, वो भी कहें कि नहीं यार उस बंदी में कोई बात थी, वो बंदी सब। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले ये देखें कि कितने ज़्यादा लोगों ने मेरे ऊपर वीडियोस बनाई हैं सितारा यासीन के ऊपर। ये देखें इतने ज़्यादा लोगों ने मेरे ऊपर वीडियो बनाई है, जो कि यूट्यूब पे 50 से ज़्यादा चैनल्स हैं जिन्होंने मेरे ऊपर वीडियो बनाई है। तो थैंक यू सो मच, चाहे वो अच्छी बना रहे हैं, जैसी भी बना रहे हैं, मेरे ऊपर बना रहे हैं, तो मुझे यही भी बड़ी खुशी है कि मेरे ऊपर उन्होंने वीडियो बनाई है। मैं कभी देखती थी, काफ़ी अच्छा फ़ैन पेज भी बन गया मेरे नाम के, और मेरे नाम के चैनल्स भी लोगों ने बनाए हुए हैं सितारा यासीन के नाम से। और मैं दूसरों को कभी ऐसे देखा करती थी कि देखो उसका भी फ़ैन पेज है, उसका भी ये है, कभी हमारा भी होगा, नहीं इतना जल्दी कैसे हो सकता है, इस पर बड़ा टाइम लगता है। तो देखो इतना जल्दी जल्दी आप सब ने मुझे कहाँ पर पहुँचा दिया है, तो थैंक यू सो मच आप सबका। अच्छा, आप सबके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे और मैं सबके रीड करती रहती हूँ लेकिन रिप्लाई नहीं कर पाती, क्योंकि एक को करूँ तो फिर सबका यही होता है कि आपने हमें रिप्लाई नहीं किया। तो अभी मैंने सोचा कि मैं वीडियो ही बना लेती हूँ, सबको मेरे आपके सवालों का आपको जवाब मिल जाएगा। और जो है ना, सबसे ज़्यादा जो मुझे आता है ये वाला मैसेज कि आपने अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया। अच्छा, सबसे पहले तो आप मेरी ये पूरी बात क्लियरली सुनना, एंड तक सुनना, उसके बाद आपने कमेंट करना है कि मैंने कहाँ स्टैंड नहीं लिया। अच्छा, और जो है ना, मुझे अच्छा लगा है, मतलब कि आप मेरे लिए ये बोलते हो, क्योंकि आपको मेरे लिए अच्छा फील नहीं होता कि मैंने स्टैंड क्यों नहीं लिया, मुझे बच्चों के लिए, इन सब के लिए स्टैंड लेना चाहिए था। आप सबसे पहले पूरी स्टोरी सुन लो, क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने पूरी स्टोरी नहीं सुनी हुई, तो पूरी स्टोरी सुनो कि बात असल में है क्या। अच्छा, आप सब ये कहते कि स्टैंड मैंने कैसे नहीं लिया, स्टैंड मैं कैसे लेती अगर कि मेरे हस्बैंड ने निकाह कर लिया है, और इसके बाद मैंने क्या करना था? मैंने, मेरी अम्मी ने, सब ने जैसे कि मुझे मेरा स्टैंड लिया कि तुम आ जाओ, ये सब हम केस कर लेंगे, वो कर लेंगे। अगर कि मैं उनके पास चली जाती, केस में क्या होता कि डिवोर्स तक बात जाती, ठीक है, मैं अपने बच्चों के लिए ये सब क्यों करती? मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं और मेरी लाइफ गुजर चुकी है, अब बच्चों को मैं क्यों सेपरेट करूँ अपने हस्बैंड से? किस लिए सेपरेट करती उनको? क्यों इस एज से ही मैं उनको अलग कर देती कि हाँ आपके पापा ने गलत किया था तो इस वजह से हम अलग रहेंगे, जब मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा अटैच हैं अपने पापा से, वो बिल्कुल भी नहीं रह सकते, और मेरे हस्बैंड भी केयर करते हैं बच्चों की। तो ये चीज़ मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं सोचनी थी कि मुझे जल्दी अलग हो जाना है, मुझे केस करना है, मुझे लड़ाई करनी है। मेरे हस्बैंड की जहाँ खुशी थी, मैं उस खुशी में उसमें खुश हो गई और मैंने अल्लाह को पा लिया। मैंने अल्लाह से इतनी दुआएं मांगी कि अल्लाह ने मुझे अपनी तरफ इतना ले लिया, मेरा यकीन वहाँ पर बढ़ता गया और मुझे सुकून मिलता गया, उस तकलीफ़ की जगह मुझे सुकून मिलता गया। और अगर कि आपको मतलब ऐसा लगता है कि किसी ने आपकी लाइफ में ऐसा किया है, आपको केस लड़ने से बेहतर है, आपको लड़ाई करने से बेहतर है कि आप वो फ़ैसला अपने रब पे छोड़ दो, और वो जो केस होगा, वो जो लड़ाई होगी ना, वो आपका अल्लाह जो है ना वो खुद ही कर लेगा। और यहाँ पर दुनिया में ये जो करेंगे ना, आप केस करोगे, ये लड़ाई करोगे, उसमें इतनी ताकत नहीं है, उसमें पता नहीं आप हारो जीतो, मुझे नहीं पता, लेकिन जब अल्लाह के यहाँ फैसला चला जाता है ना आपका, तो वहाँ आपकी सिर्फ जीत ही जीत है, और वहाँ आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई अदालतें जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ने सिर्फ यकीन से अल्लाह को ढूंढना है, अल्लाह को पाना है, अल्लाह को हासिल करना है। जब आपने उसको कर लिया है, तो फिर आपका फ़ैसला तो आपकी अल्लाह की उसमें अदालत में चला गया ना, तो अल्लाह की अदालत में जब आपका फ़ैसला चला जाता है ना, तब तो आपकी जीत ही जीत है, आपकी हार नहीं है। और रही बात इसकी कि हाँ, अल्लाह से जब मोहब्बत हो जाती है तो दुनिया की, मुझे लगता है, मोहब्बत ख़त्म हो जाती है दुनिया। मैं पहले बहुत सोचती थी, आपने अच्छा मुझे देखा होगा, मेरी मेकअप की वीडियोस देखी होंगी इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, बहुत सारी मेरी ऐसी चीज़ें, ऐसी वीडियोस देखी हैं, लेकिन वो ये था कि मेरा एक शौक था, मेरा मेकअप करने का था, मेरा मतलब वो, जैसे कि आपको पता है मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो
तो मेकअप करने का था, मेकअप आपको सिखाने का था, और उसके साथ साथ मैं टिकटॉक भी बनाती थी, रील्स भी बनाती थी। तो वो वीडियोस आपने देखी होंगी, और मुझे आपने अब देखा होगा तो मेरे अंदर काफ़ी चेंजिंग आपको लग रही होंगी। और वो वीडियोस मैं कभी भी डिलीट नहीं करूँगी जो मेरे इंस्टा पे हैं, जो मेरी टिकटॉक पे हैं, क्योंकि वो मेरे लिए खुद मेरी मुझे इंस्पायर करने वाली वो चीज़ें हैं कि मैं हाँ अपने आप को पहले कहाँ देखती थी और अब कहाँ देखती हूँ, तो वो मेरी रहेंगी हमेशा के लिए। तो ये चीज़ थी, यहाँ पे मैंने यही क्लियर किया है कि ना मेरे स्टैंड मैंने इसलिए नहीं लिया कि मुझे जो है ना पहले अपने बच्चों को देखना था कि मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड के साथ अटैच हैं, तो मुझे वो प्यार उनसे नहीं छीनना। और दूसरी बात के जो आप ये कह रहे थे कि मेरे हस्बैंड ने जो निकाह किया है, तो बहुत सारी बातें हैं कि आपको जब पता चला अच्छा तो बाकी जो मर्द हैं वो भी ये सब करेंगे, अच्छा अल्लाह आपको अपने घरों में खुश रखे आबाद रखे। मैं किसी को ऐसा कोई मैसेज नहीं देना चाह रही किसी भी हस्बैंड को कि हाँ आपकी बीवी भी सब्र कर ले, ऐसी बात नहीं है। हमारा मैटर अलग था, मैंने आपको बार बार एक पहले भी एक वीडियो बनाई थी और उसमें बताया था कि मेरे हस्बैंड का जो है ना 14-15 साल, जैसे कि 13 साल तो मेरी शादी को हो गया, इससे 14-15 साल पहले की वो फ्यांसी थी मेरे हस्बैंड की, फैमिलीज़ की वजह से उनकी शादी नहीं हुई, जिसकी वजह से वो 13 साल जैसे कि मेरी शादी को हो गया, तो फिर उस लड़की की शादी भी कहीं पर भी नहीं हुई। और इन 13 साल में ऐसा नहीं कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी भी नहीं बोला, मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे हर टाइम पे कि ना जो है ना उसका जो है ना अभी तक कहीं पर वो शादी नहीं हुई, ये चीज़ें जो है ना इस तरीके से मुझे बोलते थे। और मैं ऐसी हूँ ना, मेरे अंदर बहुत एहसास है हर किसी के लिए, मैं किसी को रोते हुए नहीं देख सकती, किसी को परेशान होते हुए नहीं देख सकती, तो मेरे अंदर इस चीज़ का बहुत एहसास है। मैं किसी को देखूँ ना कि हाँ किसी की लाइफ अगर मतलब रुकी हुई है, और अगर मेरे सब्र और मेरे चुप रहने से उसकी लाइफ थोड़ी आगे चल पड़ेगी, तो मैं वो कर लूँगी। अभी मैं किसी को नहीं कह रही, किसी औरत को नहीं कह रही कि आप भी ये सब करो। मैं जो है ना यही कहूँगी कि हर कोई अपने लिए स्टैंड ले सकता है, लेकिन मैंने तो यही कहा है कि अगर आप अपना फ़ैसला अल्लाह के सामने रख लेते हो तो फिर आपकी जीत ही जीत है। और इसके अलावा जो मुझे ये कह रहे हैं कि ना वो नहीं देख रही होगी इन चीज़ों को, जो मेरे हस्बैंड की सेकंड वाइफ है, अच्छा ये शादी जो है ना गांव में हो रही है, और वो लड़की जो है ना जिसका नाम कौसर है वो गांव में रहती है, और ये मेरी पूरी फैमिली और मैं सब, मेरी भी शादी गांव में ही हुई थी, मैं भी वहीं से ही आई हूँ, पंजाब से ही आई हूँ यहाँ कराची, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आई थी यहाँ पे, क्योंकि हस्बैंड का काम भी इधर था तो इस वजह से हम यहाँ पर आ गए। तो अभी जो है ना वो गाँव में रही है, और अब मैं आपको उसकी थोड़ी सी लाइफ भी बताने जा रही हूँ। वो गाँव में रही है और वहाँ पर जो है ना ज़्यादा जो है ना वो इस चीज़ में नहीं है, उसको किसी चीज़ का इतना ख़ास कुछ पता भी नहीं है, और बहुत नॉर्मल है, और जहाँ तक मुझे भी बताया जा रहा है वो बहुत पॉजिटिव है और काफ़ी अच्छी है और काफ़ी घरेलू भी है इस। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जिस तरीके से उसको बताया जा रहा है, क्योंकि मैं उसको पर्सनली नहीं जानती, लेकिन सब उसकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छी है, और जितना मतलब कि ना उसका बताया जा रहा है, मैं यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अल्लाह करे कि वो ऐसी ही रहे। और मैंने तो सब्र कर लिया, क्योंकि मेरे सब्र से किसी की लाइफ चलती है ना, तो मैं मुझे जो है ना उसकी लाइफ को देखना है, क्योंकि मैंने ना अपने लिए ना मैंने ये सोच लिया है, मैंने मेरे दिमाग में ना ये चीज़ आ गई है कि ना मुझे नहीं पता, मुझे लाइफ का नहीं पता मेरी सुबह तक है या नहीं है, मेरी कल तक है या नहीं है, मेरी 2 दिन बाद है, 3 दिन बाद है, हफ्ते बाद मेरी लाइफ है या नहीं है, मुझे कुछ ऐसा करके जाना है। मैंने मेरे दिमाग में ये चीज़ आ गई, मैं मुझे ऐसा कुछ करके जाना है कि मैं अगर यहाँ से जाऊँ ना तो मेरे जो दुश्मन भी हैं ना, जो मेरे हेटर्स भी हैं ना, वो भी कहें कि नहीं यार उस बंदी में कोई बात थी, वो बंदी सबसे अलग थी, वो बंदी सबसे डिफरेंट थी। तो मेरे उसमें ना ये चीज़ थी, तो मुझे जो है ना यही करना था बस। पता नहीं अब लोगों को क्या लगता है क्या नहीं लगता, मुझे नहीं पता, और मुझे फ़िलहाल जो सही लग रहा है मुझे मैं वही करूँगी। और कोई कह रहा है कि तुमने स्टैंड नहीं लिया, मुझे जो सही लगा ना मैंने वही किया, मुझे यही रास्ता सही लग रहा है, मुझे अल्लाह की तरफ जाना है और मुझे और आगे जाना है। और ये चीज़ें पता क्या है, ये चीज़ें मुझे अल्लाह की तरफ और खींच रही हैं और लेकर जा रही हैं, और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ में कि मैं और आगे जाऊँ, अल्लाह के करीब जाऊँ। और मुझे जो सुकून मिल रहा है ना, मुझे कसम से मेरी एज में मुझे ज़िंदगी में ये सुकून कभी नहीं मिला। आप वो बड़े से बड़ा कुछ भी अचीव कर लो, आप कुछ भी अचीव, आपको वो खुशी ना नहीं होगी जो आपको अल्लाह के पास जाने की खुशी होगी।
मतलब कुछ भी लाइफ में आपको चाहिए, मुझे यहाँ तक जाना है, मुझे वहाँ तक जाना है, मुझे ये हासिल करना है, मुझे आखिर उस हासिल करने की मतलब आपको कुछ पाने की एक हद होती है, एक लिमिट होती है, जब आपको सारी खुशी मिल जाती है, हर खुशी को पाने की, हर ख्वाहिश को, हर ख्वाब को पाने की भी तो एक लिमिट होती है ना। जब आपकी सारी लिमिट आपने पा ली है, आपको हर चीज़ मिल गया, आपको पैसा मिल गया, आपके सारे ख्वाब पूरे हो गए, हर चीज़ पूरी हो गई है, उसके बाद आगे का क्या सफ़र है, फिर भी खुश नहीं हो आप। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, काफ़ी हद तक उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में, उसके बाद भी खुश नहीं, उनकी टेंशन हैं। सुकून सिर्फ अल्लाह को पाने में, जो मैंने अभी जो अभी मेरी लाइफ में हुआ है, अभी हुआ है बस, जब भी मैं क्या बताऊँ आपको, क्योंकि ये जब जिसकी लाइफ में होता है, जो अल्लाह के करीब जाता है ना, ये सिर्फ चीज़ें ना उसी को फील होती हैं, हर किसी को फील नहीं हो सकती। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं और मुझे इतनी प्यारी प्यारी दुआएं देते हैं, तो वो खुद अल्लाह के करीब होंगे, इसीलिए वो मुझे प्यारी प्यारी दुआएं देते हैं। और मैं किसी की लाइफ के बारे में नहीं बोलूँगी कि आप सब मेरी लाइफ को देख के फॉलो करो या ऐसा कुछ भी, ये तो मेरी एक जर्नी है। कल को मैं हूँ नहीं हूँ मेरे बच्चे देखेंगे और खुश होंगे मामा को देख के, और ख़ुद भी अपनी लाइफ को जो है ना ऐसे अच्छे से गुजारेंगे, और मुझे भी देख के अच्छा लगेगा, कल को मैं भी अपने आप को देख सकती हूँ यूट्यूब के ऊपर। और बस यही चीज़ें थी कि सब कुछ हासिल करने के बाद भी अगर आप खुश नहीं होना, तो क्योंकि ये दुनियावी चीज़ें हैं, दुनिया में आप कभी भी खुश नहीं हो सकते, दुनिया में आप जितना कुछ हासिल करते जाओगे ना, आपको खुशी नहीं मिलेगी। तो हाँ, खुशी थोड़ी देर के लिए मिलती है, लेकिन सुकून नहीं मिलेगा। सुकून जितना भी आप कमा लो, जितना काम कर लो, कुछ भी अचीव करना है आपको, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन उसके बाद भी आपको सुकून नहीं है। सुकून तो वहाँ मिलेगा ना जहाँ पर अल्लाह है, उसको पाने का सुकून ही फिर कुछ अलग है, और वो मैंने पाया और आपको बताया है, वो सब फील किया। तो आपको मुझे जो दुआएं दे रहे हो ना, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आगे मेरे हस्बैंड की जो सेकंड वाइफ है ना, उसके लिए भी आप कुछ भी गलत मत बोलो, किसी के बोलने गलत बोलने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो ज़बरदस्ती तो नहीं आई ना बोलने के लिए कि मेरी शादी कराओ या ऐसा कुछ, तो इसमें उसका कसूर नहीं है और ना ही मेरे हस्बैंड का कसूर है, ये सब अल्लाह पाक ने लिखा हुआ था तो वो हो गया। और जो है ना, अब जो है ना, आप यही दुआ करें कि आगे की लाइफ अच्छी हो। आप ये मत प्लीज़ बोलो कि ना उसकी लाइफ ख़राब होगी, ये होगा वो होगा। तो मैं आपसे सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये दुआ करें कि मेरे हस्बैंड जो है ना, हम दोनों को बराबर रखें, और हम दोनों को जो है ना, ताकि जो बची हुई लाइफ है वो अच्छे से गुजर सके, ठीक है, हम दोनों को बराबर पे रखें, बराबर का हक दें, ये सारी चीज़ें दें। और जो है ना, आप सबका प्यार तो मेरे साथ रहेगा रहेगा, अकेली तो मैं वैसे भी नहीं हूँ, अल्लाह मेरे साथ है, आप सब मेरे साथ हो। और दूसरी बात कि घर पे भी मेरा कोई ऐसा सीन नहीं है कि हस्बैंड मेरे साथ रोज़ लड़ाई कर रहे हैं, ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने मेरे सब्र को देख के वो मेरी और रिस्पेक्ट करने लगे हैं। तो यही कहूँगी कि आप प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत बोलो। आप मुझे पता है कि आप मुझे बहुत वो लेते हो, प्यार करते हो, तो इस वजह से आप बोलते हो उसका, मेरे हस्बैंड की सेकंड वाइफ का, तो उसके लिए भी आप कुछ मत बोलो। बस यही दुआ करो कि आगे की वाली लाइफ अच्छी गुजरे, हस्बैंड हम जो मेरे हैं हम दोनों को खुश रखें, बराबर का टाइम दें, मेरे बच्चों को टाइम दें, बस यही लाइफ है। क्योंकि लाइफ की ये तो नहीं है ना कि आगे चलनी है और कभी भी ख़त्म नहीं होगी लाइफ, तो वैसे भी हम तो वैसे भी कुछ दिनों के मेहमान हैं, हमने यहाँ इस दुनिया में आकर ऐसे ख्वाब बना लिए, ऐसा कुछ बना लिए कि जैसे हमने इस दुनिया से कभी जाना ही नहीं है, हमारी दुनिया हमारा सब कुछ यही है, आखिर अंत तो यही है ना कि हमने यहाँ से जाना है, एंड तो यही है ना कि आखिर जाना है। तो फिर दो तीन दिन के लिए किसी से लड़ाई करके, किसी से क्या करके क्या मिलेगा, अपनी आखिरत को तो हम अच्छा करके जाएं जितने दिन रह गए हैं। और जब भी इंसान को मेरे ख्याल से समझ आनी चाहिए, तभी जो है ना इंसान को जो है ना अपनी आखिरत के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम पता नहीं कितना है, ये भी तो नहीं पता। तो मैं यही करूँ, यही आपसे भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप भी पॉजिटिव रहो, मैं भी पॉजिटिव हूँ, और आप उसको मत बुरा बोलो, बुरा भला मत बोलो, उसका कोई कसूर नहीं है, और ये सब अल्लाह का लिखा हुआ है, जिसके नसीब जहाँ लिखा होता है ना, वो होकर ही रहता है। और बस आप सबका प्यार मेरे साथ रहेगा, तो मैं इंशाल्लाह मैं भी खुश रहूँगी, सब खुश इसी तरीके से खुश रहेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आप जो है ना, आप सब जो है ना, मज़ीद और मुझे दुआओं में याद रखेंगे, और मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, और जब भी दुआ मांगती हूँ ना,
यकीन करें कि जो जो भी मुझे कहते हैं ना कि आप ही हमारे लिए दुआ कीजिएगा, तो मैं उन सब के लिए दिल से दुआ कर रही हूँ। आप सब खुश रहो। अच्छा, मुझे जो है ना बस यही बात करनी थी, और अब जो है ना कुछ देर तक जो है ना कोशिश करूँगी, व्लॉग बनाऊँगी, और थोड़ा सा इस चीज़ से निकल के ना व्लॉग बनाते हैं, थोड़ा सा इन्जॉय करते हैं। बहुत इमोशनल हो गए, और बस यही बात करनी थी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव कमेंट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।